कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का उनके गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गांव के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं ने नीरज का फूल मालाओं के साथ जोरदार अभिनंदन किया। पंडाल में पहुंचने पर नीरज चोपड़ा पर फूलों की वर्षा की गई। नीरज की माँ तथा बहन ने तिलक लगाकर उन्हें ओलंपिक में गोल्ड जीतने का आशीर्वाद दिया। पूरा गाँव नीरज को अर्जुन अवार्ड दिए जाने पर गदगद है। नीरज ने छोटी सी उम्र में ही सेना में पदोन्नति लेने का इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल विजेता जैसे ही गाड़ी से अपने गांव खंडरा पहुंचे तो ग्रामीण वासियों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। इतना अभूतपूर्व स्वागत पहले कभी भी किसी भी खिलाड़ी का नहीं हुआ होगा। सभी ग्रामीण नीरज को गले लगाने के लिए आतुर थे। हर कोई नीरज के साथ सेल्फी ले रहा था। मंच तक पहुंचने में नीरज चोपड़ा को 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। इतना प्यार पाकर नीरज काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज ने कहा कि खंडरा से जकार्ता तक का सफर काफी मुश्किलों भरा था। अर्जुन अवार्ड मिलने पर वह खुश हैं। उनका कहना है कि अर्जुन अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिसका लक्ष्य अर्जुन की तरह स्पष्ट हो। मेरा अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन तथा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, जिसकी तैयारी अभी से मैंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें कोई जॉब का ऑफर आता है तो वे सेना के अधिकारियों से विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। Yeah.
टिक्का करोगे टिक्का वो कहाँ पे दे थाली लगे जी। देखो स्टार्टिंग में तो काफी एक ऐसा कुछ स्पोर्ट्स की तरफ ऐसा था क्योंकि गांव का और फैमिली का माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन मैं स्टेडियम में ऐसे फिटनेस के लिए गया था तो वहीं पे मैंने सीनियर को और दोस्तों को थ्रो करते हुए देखा, तो तभी मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा उनके साथ। और उसके बाद काफ़ी दिक्कतें भी आई, काफ़ी प्रॉब्लम आई शुरू में, लेकिन अपना मेहनत करते गए और जो है मेडल आते गए थोड़े थोड़े, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए, स्टेट लेवल पे, तो ऐसे आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सब अच्छा चलता गया। तो अभी वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर काफ़ी अच्छा भी था और काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, लेकिन अभी के बाद आगे का जो है रास्ता खुल गया और अच्छी मेहनत करेंगे और ओलंपिक की तैयारी, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसकी तैयारी करेंगे, और क्योंकि वो भी एक ओलंपिक लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, और फिर ओलंपिक के लिए मेहनत करेंगे ताकि जो है अपने देश का झंडा वहाँ पे लहरा सके। देखो जी अर्जुन अवार्ड एक हर खिलाड़ी का सपना होता है, काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है, तो काफ़ी खुशी है अर्जुन अवार्ड की। जी देखो अभी तो भारतीय सेना में मैं जॉब कर रहा हूँ, पर उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो मेरा तो काम अपना स्पोर्ट्स का ही है उसी, क्योंकि अगर जब तक स्पोर्ट्स है तो तभी तक ये सब चलता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपना हार्ड वर्क करते रहें और ऐसे ही मेडल लेके आते रहें, और सभी जो भी जैसे मैं सेना में करता हूँ या भारत को हरियाणा को सभी के लिए ऐसे गौरव के पल लेके आता हूँ। जी युवाओं के लिए यही है कि भाई अपना अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के हार्ड वर्क करें और अपने गुरुओं का अपने माँ बाप का सभी का बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और उनका आदर करें। जी बिल्कुल, अगर हरियाणा की खेल नीति इतनी टॉप पे है तो हरियाणा के खिलाड़ी भी ऐसे ही टॉप पे हैं, क्योंकि एक पूरे देश एक तरफ और हरियाणा का एक तरफ एक हिस्सा रहता है मेडल्स में, तो उसका यही कारण है कि हरियाणा के खिलाड़ियों को काफी अच्छा मान सम्मान मिलता है और वो फिर उनका हौसला मिलता है और वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं। जी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक परिवार के लिए नहीं पूरे देश के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये हर एक आदमी के लिए काफी गर्व की बात होती है, तो मैं काफी अपने आप को क्या बोलते हैं उसको प्राउड मूवमेंट है कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। जी मैं तो सभी देशवासियों का और सभी गांव वासियों का, जितने अपने बुजुर्ग माता बहने सभी का आशीर्वाद मानता हूँ, जिसमें जैसे उसके कोच फेडरेशन और जो उसको स्पॉन्सर किया जिन्होंने GIW या गैटोरेट है, तो इन सभी के मतलब सहयोग से सब कुछ संभव हो पाया, तो कोचों ने बहुत मेहनत की है और उसकी खुद की भी बहुत मेहनत है, तो सभी से संभव हो पाए। जी मैं तो पूरे देश का ही बेटा मानता हूँ, हमने जन्म दिया पाला है, लेकिन अब जो देश की दुआएं उसके साथ जुड़ी हैं वो हमारे से कहीं ज़्यादा हैं, हमें गर्व है, पूरा देश उनके ऊपर गर्व कर रहा है, हम सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जी मेन तो अगर हम सही हिसाब लगाएं तो पूरा परिवार का सपोर्ट और उसके कोच का सपोर्ट, जैसे मतलब अपनी सरकार भी अब बहुत सहायता कर रही है, तो इस सभी के सहयोग से ही हो पाता है, अकेला तो उसमें कोई नहीं हो पाता। कितना अभ्यास यही 7 से 8 घंटे, 6 घंटे 7 घंटे तो कम से कम होता ही है।